गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मिस्टर क्लास पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बता चुके हैं, परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग मेरे साथ बनिए और क्वेश्चन को देखिए। ठीक, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नीचे आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए, देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर एक, इसमें दोस्तों एक कम वाला पूछेगा, एक अधिक वाला पूछेगा। जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, अधिक होगी? ऐसे फार्मूला सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? पहला क्वेश्चन है यही, ठीक ना, कितने परसेंट कम है। तो यहाँ देखिए, ए की आय बी की आय से 10% कम हो, कम वाला फार्मूला और अधिक वाला फार्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दिया जा रहा है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, सॉरी इस बार अधिक बोला है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है जो भी एक परसेंटेज दिया रहेगा, 10% अधिक है। ए और बी जो लोग हैं, ए और बी, मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला बनता है हमारा, और अधिक बोले तो आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100। ये आर जो परसेंटेज दिया रहेगा उसी की मान है। इस सूत्र से, इसी सूत्र पर इस सवाल को हम लगाएंगे और सिंपल है कि एकदम आ जाएगा। 10% बोला है तो आर की जगह आप 10 कर दीजिए, 10 बटे 10 प्लस 100, 110 हो जाएगा, हो गया ना। 100 में आर जुड़ेंगे, 110 गुणे 100 हो गया। इसको काट दीजिए, 100, 10 दहा में 100, 100 बटे 11, 100 में आप 11 का भाग कर दीजिए, 100 में 11 का भाग, 11 9 99, 1 बचेगा, 1 ऊपर चला जाता है, 11 नीचे, 9 यहाँ, 1 सही, 9 बटे 11% इतनी जो है अधिक है। ठीक, राइट होगा पहला क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। नीचे देखिए आप लोग आता रहेगा। कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है? इस बार कम बोला है, कितने परसेंट कम है। पहले क्या बोला है, अधिक। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, पहला लाइन से पकड़िए, इस बार दे रखा है 25% अधिक हो। ठीक, नीता और पायल के वेतन, तो यहाँ पर 100 की जगह पर 25, आर की जगह 25 रखिए, 25 बटे 125 गुणे 100। देखिए ये 25 आर की वैल्यू हो गई, और 100 प्लस आर, 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 और गुणे 100 था, हो गया 5 25 125 और 5 20 में 100, मतलब 20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, 20%। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 30% बोला है ए और बी की आय इनकम, तो 30 बटे 130 और गुणे 100। आर की वैल्यू 30 रखें, 100 में आर जोड़ दिए, 130 गुणे 100, 100 कट गया, 300 बटे 13 का भाग कर दीजिए, 300 में 13 से भाग, 13 करना 13, 10 में से 3 गए 7, 2 में से गए 1, और यहाँ पर 13 दूनी 26 ले जाइए, 30 है ना, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गए 4, ये आपका 2 कट गया, 0 40, 13 3 39, 1 सही 13, यहाँ 23 यहाँ, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इतने परसेंट कम है। ठीक, आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अनिल की ऊंचाई कितने परसेंट कम है दीपक से? अनिल की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है? ठीक, अभी इस क्वेश्चन को हम लगाने जा रहे हैं दोबारा तुरंत, और मिटाने वाला कहाँ रख दिए, थोड़ा सा देखने एक बार। हाँ ठीक, मिट गया, 60% अधिक बोल दिया इस बार।
ठीक है। अनिल और दीपक दो व्यक्ति हैं, कह रहा है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, 60% अधिक हो। चलिए आर जगह 60 रखते हैं, 60/160 गुणे 100, 0 0 कट गया, 6 छक्का 2 सकार दीजिए इसको, 2 3 आई 2 3 आई 6 2 8 16 और 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 5 हमें 100 25 3 आई 75, 75/2 परसेंटेज। अगर सही बटन हो तो सही बटन आप कर लीजिएगा, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा है यदि एक्स एक्स वाई से 10% अधिक हो, यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। 10% क्या बोल दिया इस बार, अधिक हो, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ। यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो, एक्स है और वाई है से 10% क्या हो, अधिक हो, तो फार्मूला क्या था हमारा, आर बटे 100+R गुणे 100, ये फार्मूला हमारा था। तो आर जगह पर 10 रखिए, 10/110 गुणे 100, 1 0 0 काट दीजिए, 100 100/11, 11 9 99, 11 9 99 100, यही आंसर हो जाएगा राइट, इतने परसेंटेज, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, अधिक अधिक पहला बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। इस बार कम बोल दिया है, इस बार क्वेश्चन में कम वाला बोल दिया है, ठीक। कम के लिए फार्मूला बनता है हमारा आर बटे 100-R गुणे 100, यही फार्मूला बनता है। ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो 20/100 में से आर आर की वैल्यू 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 80, 80 गुणे 100, 20 चौका 80 और 4 25 में 100, 25 बार में, यही आपका राइट आंसर, इतने परसेंट अधिक है, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ठीक। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार बोला 25% कम हो तो कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। चलिए 25% बोला है कम हो तो यहाँ आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 25 और 100 में से आर की वैल्यू घटाएंगे तो हो जाएगा 75 और गुणे 100। अब यहाँ देखिए 25 चौका 25 3 75, सॉरी 3 बार हो जाएगा, ये बचेगा 100/3, इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 33 सही 1/3, 33 99 100, 100/3, यही आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, 33 सही 1/3। स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है आपके, तुरंत बने रहिएगा मेरे साथ। इसको थोड़ा सजेस्ट कर दे रहे हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, अधिक और कम के लिए कम पे एक सवाल और करा दे रहे हैं, ठीक। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार बोला है 50% कम हो, 50% कम हो, ठीक, इसको लगा दे रहे हैं, 50% बोला है कम हो तो यहाँ हो जाएगा 50/100 में से आर घटाएंगे तो हो जाएगा 50 और गुणे 100, 50 50 से कैंसिल हो गया आपका 100, यही 100% आंसर। आज के लिए इतना ही, वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू।